तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रे उस लड़की को रोता हुआ देखकर उसके पास जाता है। अब वह लड़की रे को बताती है कि वह यहाँ पर अपनी बड़ी बहन को ढूंढ रही है, जो सुनकर रे बोलता है कि वह इसमें उसकी मदद करेगा। और अब वह उस लड़की को अपना नाम लिली व्हाइट बताता है। तभी वह लड़की अपना नाम टियाना ऑलगर्न बताती है। अब वह दोनों एक साथ टियाना के बड़ी बहन को वहां पर ढूंढने लगते हैं। वहीं पर रे को टियाना के साथ देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि रे किसी बहुत बड़ी नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। और अब टियाना को उसकी बड़ी बहन मिल जाती है, और उसकी बड़ी बहन कोई और नहीं बल्कि आर्यन ओलगर्न होती है। अब आर्यन उस जगह पर रे के साथ बैठकर उससे बात करने लगती है। वहीं वह टियाना की मदद करने के लिए रे को थैंक्स कर रही होती है। और तभी आर्यन रे से पूछती है कि आखिर वह किस एकेडमी से बिलोंग करती है, क्योंकि उसे पता है कि वह उनकी एकेडमी की स्टूडेंट नहीं है। यह सुनते ही रे बोलता है, आर्यन तुम सच में बहुत ही ज्यादा समझदार हो, तुमने मुझे यहाँ पर पकड़ लिया। और अब वह अपनी लड़की की आवाज छोड़कर लड़के की आवाज पर आ जाता है, जो देखकर आर्यन के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब तक आर्यन उसे एक लड़की ही समझ रही थी। और अब रे उसे अपना नाम बताते हुए बोलता है कि वह यहाँ पर आर्नोल्ड एकेडमी से आया है। तभी आर्यन परेशान होते हुए पूछती है, तो क्या वह एक लड़का है? रे हाँ में जवाब देता है। अब आर्यन बोलती है, वह देखने में बिल्कुल एक लड़की लग रहा था, और उसने लड़की के कपड़े भी पहन रखे हैं, पर उसने अपनी आवाज यहाँ पर कैसे चेंज की? रे बोलता है, मैंने इनसाइड कोड सोर्सरी का यूज करते हुए अपनी आवाज को चेंज करी थी। अब रे व्हाइट का नाम सुनकर आर्यन समझ जाती है कि रे कौन है, क्योंकि वह नोवल एकेडमी का पहला ऑर्डिनरी है, और वह कोई कमजोर नहीं बल्कि काफी ज्यादा पावरफुल है। रे बोलता है, मुझे नहीं पता कि इस जगह पर मेरे बारे में क्या रूमर्स फैले हुए हैं। वहीं पर रे से बात करते हुए अभी भी आर्यन का सर घूम रहा होता है, क्योंकि रे बिल्कुल एक लड़की की तरह दिख रहा होता है। अब आर्यन बोलती है, तुमने इस जगह पर मेरी बहन की मदद की है, तो मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। जिसके बाद वह दोनों एक जगह पर स्वॉर्ड फाइट के लिए आते हैं। वहीं टियाना खड़ी उन्हें चीयर कर रही होती है। अब रे फाइट के लिए आगे बढ़ता है। तभी आर्यन बोलती है कि वह चाहती है कि रे यहाँ पर अपनी लड़की वाली वॉइस का ही यूज करे, क्योंकि उसे थोड़ा अजीब लग रहा है। रे इसके लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट होती है। अब वह दोनों ही अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं, पर तभी आर्यन अपने एक टेक्निक का यूज करते हुए रे के स्वॉर्ड को तोड़ देती है, जो देखकर रे काफी हैरान होता है और बोलता है, आर्यन तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। अब टियाना उनके फाइट को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद वह वहां से चली जाती है। तभी आर्यन रे से पूछती है कि क्या वह भी स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। रे बोलता है, नहीं वह कमिटी मेंबर है, तो वह उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वह यहाँ पर बस अपने एक दोस्त के लिए आया था, जिसकी वह ट्रेनिंग में मदद कर रहा है। और अब रे आर्यन को बताता है कि उसकी वह दोस्त अमेलिया है। यह सुनकर आर्यन काफी हैरान होती है और बोलती है, तो इस जगह पर अमेलिया के पास तुम्हारे जैसा दोस्त है? तभी रे बोलता है, इस शॉर्ट कॉम्पिटिशन में अमेलिया ही जीतेगी, तो तुम इसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम हारने वाली हो। अब दिखाया जाता है कि रे वापस अपने एकेडमी की ओर आ रहा होता है। तभी वह अपने एकेडमी से एक लड़की को भागते हुए देखता है, जो अचानक गिरने लगती है, पर रे काफी तेजी से भागता हुआ उसे बचा लेता है। अब रे को उस रूप में देखकर वह लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे थैंक्स करती है, जिसके बाद रे वहां से जाने लगता है। तभी वह लड़की रे को रोकते हुए उससे उसका नाम पूछती है। रे बोलता है कि उसका नाम लिली व्हाइट है, जिसके बाद वह उस लड़की से उसका नाम पूछता है। अब वह लड़की रे को बताती है कि उसका नाम मारिया ब्रैडली है, जो सुनकर रे समझ जाता है कि यह रेबेका की छोटी बहन है। अब मारिया बोलती है, तो क्या वह उसकी बड़ी बहन को जानती है? रे हाँ में जवाब देता है। तभी मारिया बोलती है, वह काफी लंबे समय से सोच रही थी कि आखिर वह इस एकेडमी में कैसे स्टडी करेगी, पर लिली से मिलने के बाद वह इस एकेडमी में जरूर एडमिशन लेगी। और यह बोलते हुए वह वहां से चली जाती है। दूसरी ओर अमेलिया एलिसा और क्लैरिस के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी पीछे से रे चिल्लाता हुआ बोलता है, अमेलिया क्या आज तुमने यहाँ पर अच्छे से ट्रेनिंग किया? अब रे की आवाज सुनते ही अमेलिया डरते हुए बोलती है, उसने आज काफी ज्यादा मेहनत की है। तभी वह पीछे मुड़कर देखते हैं, तो रे वहाँ पर लड़की बना खड़ा होता है,
जो देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी रे बोलता है, आज मैं एक मिशन पर गया था। अब यह सुनते ही वहां पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि अगले दिन रे अपने सभी साथियों को अपने मास्टर से मिलवाने के लिए उनके घर लेकर आया हुआ होता है। अब सभी लोग एक एक करके आगे आकर मास्टर लीडिया को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी अलीसा अपने पास से एक बुक निकालकर लीडिया को उस पर साइन करने के लिए बोलती है, क्योंकि लीडिया ही वह फेमस प्रोफेसर है जिसकी अलीसा बहुत बड़ी फैन है। और अब वहां पर लीडिया का ऑटोग्राफ पाकर अलीसा काफी ज्यादा खुश होती है। अब क्लैरिस आगे आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है। तभी लीडिया बोलती है, मुझे पता चला कि तुम एक हंटर बनना चाहती हो। यह सुनकर क्लैरिस हैरान होती है और बोलती है कि उन्हें इस बारे में कैसे पता चला। तभी लीडिया बोलती है, उनके फैमिली का हेड उससे इस बारे में बात करने के लिए आया था। और अब वह अपना हंटर प्लैटिनम कार्ड निकालकर क्लैरिस को दिखाती है, जो देखकर क्लैरिस काफी ज्यादा हैरान होती है। अब लीडिया बोलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कोई नोवल है या फिर ऑर्डिनरी, वह इस जगह पर जो बनना चाहती है बन सकती है, बस उसे यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। अब अमेलिया आगे आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है। तभी लीडिया बोलती है, हम दोनों कई पार्टीज में मिले हैं, तो मैं इस जगह पर तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। दूसरी ओर मेड रे को अपने साथ ले जाती है और उससे बोलती है कि ग्रिम रिपर ने इस जगह पर अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। रे बोलता है, ग्रिम रिपर तो एविल अम्पायर का असासिन्स ग्रुप है, तो आखिर वह लोग यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मेड बोलती है, उनके पास इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, पर जिस टाइम पर यह सब कुछ होना स्टार्ट हुआ है वह टाइम कुछ सही नहीं है। रे बोलता है, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जल्द ही यहाँ पर स्वॉर्ड टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। मेड बोलती है, हाँ, और वह चाहती है कि उस टूर्नामेंट में रे सभी जगह अच्छे से नजर रखे। दूसरी ओर लीडिया अमेलिया से बात कर रही होती है और अब वह बोलती है कि उसे पता चला कि अमेलिया को इस जगह पर कोई प्रॉब्लम है, और रे ने पिछले कुछ दिनों में जितने भी लेटर्स उसे लिखे हैं उन सब में इसके बारे में लिखा हुआ है। रे जानता है कि अमेलिया उसे कुछ छिपा रही है। यह सुनकर अमेलिया शांत हो जाती है। तभी लीडिया बोलती है, तुम्हें रे के पास्ट के बारे में तो पता होगा ही, मैंने रे को इस जगह पर सबसे अच्छी ट्रेनिंग दी है और जल्द ही वह मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। मैंने उसे सब कुछ सिखाया जो मुझे पता था, पर मैं उसे एक चीज नहीं सिखा पाई, ह्यूमन इमोशन। रे जब स्टार्टिंग में उनसे मिला था तो वह कोई सी भी फीलिंग फील नहीं किया करता था, पर धीरे धीरे हम लोगों ने उसे सब कुछ सिखाया और देखते ही देखते वह एक सोल्जर जैसा बन गया। उसके अंदर उन लोगों के साथ रहते रहते एक सोल्जर के सभी इमोशंस आ गए, पर वह अब तक ह्यूमन इमोशन को नहीं सीख पाया है। और ह्यूमन इमोशंस के बारे में ही सीखने के लिए लीडिया ने रे को उस एकेडमी में भेजा था, जहां पर उसने कई सारे दोस्त बनाए और उनके साथ रहकर वह इस जगह पर धीरे धीरे सब कुछ सीख रहा है। पहले रे जो भी काम किया करता था वह बस उसके मिशन को पूरा करने के लिए होता था, पर अब वह इस जगह पर लोगों की अपने दिल से मदद कर रहा है और यह देखकर वह काफी ज्यादा खुश है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन रे अमेलिया की ट्रेनिंग में मदद कर रहा होता है। वहीं उसे याद आ रहा होता है कि लीडिया के घर से वापस आते हुए लीडिया ने उससे कहा था कि अमेलिया ने उसे भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया, पर वह चाहती है कि रे इस जगह पर अमेलिया की जितनी हो सके उतनी मदद करे। अब हमें दिखाया जाता है कि रे और अमेलिया एक जंगल में होते हैं। वहीं रे बोल रहा होता है कि आज तुम्हारे ट्रेनिंग का लास्ट दिन है और आज की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं तुम्हें यह रेंजर बैच दूंगा, जिसके बाद वह अमेलिया को एक शॉट देते हुए बोलता है, मेरे चेस्ट पर लगे हुए फूल को तुम्हें डिस्ट्रॉय करना है और अगर तुम यह करने में कामयाब हो गई तो तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस जगह पर अपनी पावर का यूज नहीं करूंगा। अब हमें टूर्नामेंट का दिन दिखाया जाता है, जहां पर तीनों एकेडमी के स्टूडेंट्स स्टेडियम में इकट्ठा होते हैं। वहीं खड़ी एक जगह से आबी अपना स्पीच दे रही होती है और अब वहां पर टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, जिसमें पहला मैच अमेलिया का एक लड़के के साथ होता है। अब वह स्टेडियम की ओर जा ही रही होती है कि तभी उसे रास्ते में आर्यन मिलती है, जो उसे देखते हुए उससे बोलती है कि अमेलिया इस जगह पर बहुत ही ज्यादा बदल गई है। अमेलिया बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब वह दोनों वहां पर हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं कि वह एक दूसरे का फाइनल में इंतजार करेंगे। अब पहला मैच मैरक्रॉस एकेडमी के एक लड़के और अमेलिया के बीच होता है। तभी वहां पर आबी आते हुए बोलती है कि वह इस मैच की जज है और इस फाइट में जीतने के लिए उन्हें अपोनेंट के चेस्ट पर मौजूद फ्लावर को डिस्ट्रॉय करना है और जिसके चेस्ट पर मौजूद रोज पहले डिस्ट्रॉय हो गया वह हार जाएगा। इसके अलावा वह भी फैसला कर सकती है कि इस मैच में कौन जीता है।
अब वहां पर फाइट स्टार्ट होता है, तभी वह लड़का अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए काफी तेजी से अमेलिया पर अटैक कर देता है, पर अमेलिया उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने एक ही अटैक में उस लड़के के चेस्ट पर मौजूद रोज को डिस्ट्रॉय कर देती है और मैच जीत जाती है, जो देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। अब रे अपनी जगह से उठकर कहीं जाने लगता है, जो देखकर एवी उससे इस बारे में पूछता है। रे बोलता है वह कमिटी मेंबर है, तो वह यहाँ पर अपना काम करने के लिए जा रहा है। दूसरी ओर एल्बर्ट एक जगह पर बैठा हुआ होता है, तभी रे उसके पास आता है और बोलता है कि उसका मैच यहाँ पर जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, जो सुनकर एल्बर्ट स्टेडियम की ओर जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि स्टेडियम में एल्बर्ट और आर्यन के बीच फाइट हो रही होती है, वहीं वह दोनों अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं, पर आर्यन एल्बर्ट से ज्यादा पावरफुल होती है और वह उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देती है। अब आर्यन बोलती है तुम इस जगह पर मुझे कभी नहीं हरा सकते, तो हार क्यों नहीं मान लेते। तभी एल्बर्ट खड़ा होते हुए बोलता है अगर पुराना एल्बर्ट यहाँ पर होता तो अब तक जरूर हार मान लेता, पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। और अब वह काफी तेजी से आर्यन पर अटैक करके उसके स्वॉर्ड को उससे दूर फेंक देता है, जिसके बाद वह दोबारा से आर्यन पर अटैक करता है, पर आर्यन एल्बर्ट के स्वॉर्ड को अपने हाथों से पकड़ लेती है और उसे पंच करके दूर फेंक देती है, जिससे एल्बर्ट की हालत खराब हो जाती है और आर्यन यह मैच जीत जाती है। दूसरी ओर रे एक जगह पर घूम रहा होता है, वहीं पर एक मार्क्समैन रे पर नजर बनाए हुए होता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।